लेस्को डिपार्टमेंट और यूनियन मैनेजमेंट एक प्लेटफार्म पर एक साथ खड़ी है। लाहौर के इलाका भगवानपुरा में लेस्को की जानिब से खुली कचहरी का इनकार किया गया। भगवानपुरा डिवीजन में अवामुन्नास की मुश्किलात को फौरी हल करने के लिए एससी लेस्को रशीद अहमद की सरबराई में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में लेस्को अफसरान DCM अब्दुल रऊफ, SDO अब्दुल्ला शबीर, यूनियन नुमाइंदगान साजिद काजमी, हसीब जट, फयाज रऊफ और रूफी ने शिरकत की। इस मौका पर बात करते हुए इनका कहना था, चेक करवा लेते हैं, इधर एसजीओ मुगलपुरा था कहीं आया हुआ, एसजीओ मुगलपुरा सी, एसजीओ मुगल, हम चेक करवा लेते हैं, अगर कोई ऐसा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पर्चा होगा, FIR। वायर काटी सिर्फ नहीं जाएंगे, हम पर्चा कराएंगे अगर किसी ने डायरेक्ट लगाई है। अगर डायरेक्ट लगी होगी तो FIR होगी, वो पुलिस वालों के साथ हमारा कोई ऐसा लाइजन नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। मुश्किलात तो हम बिल्कुल फौरी तौर पे रिजॉल्व कर रहे हैं लोगों की। खुली कचहरियों का मकसद ही यही है, ना सिर्फ हम पूरा हफ्ता लोगों की मुश्किलात का सबब उनका ढूंढते हैं, इसके साथ साथ हफ्ते वाले दिन जो एक्स्ट्रा दिन हम लगा रहे हैं वो आवाम के लिए, आप खुद भी देख सकती हैं कि कंज्यूमर के मसाइल फौरी तौर पर हम मौके पर ही हल कर रहे हैं। जैसे कि महंगाई का आलम है माशरे में, सोसाइटी में, मुल्क में, लेकिन साथ साथ कारोबार भी अब चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह ताला, तो ये मसाइल जो है ना इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएंगे। नहीं, वो ऐसी बात नहीं होती, वो इनकी प्रपोजलें बनती हैं बकायदा, वो ड्राइंग पास होती है, ऐसे फजूल तो नहीं वो लगा सकते, टेक्निकली कोई ना कोई रीज़न होगी, वो आप मुतलका सब डिवीजन से पूछ लें जाके, उन्होंने कोई ना कोई ड्राइंग पास की होगी या वहाँ पे जगह नहीं होगी लेफ्ट साइड पे, इसलिए वो राइट पे लगा दी होगी। अगर कोई कंप्लेंट है तो फिर आप हमें बताएं, दिख के दें, हमें उसको पूछ लेते हैं कि वो अगर गलत साइड पे लगा है तो वो सही साइड पे लगा दें। देखिए जी, हर बंदा अपने अपने फेल का, अपने अपने अमल का जवाब दे है। सार्फीन की सहूलत के लिए मिनिस्टर पावर डिवीजन, सेक्रेटरी पावर डिवीजन और हमारे CO मुजाहिद परवेज चट्ठा साहब ने हर सर्कल में बड़ी सख्ती से खुली कचहरियाँ लगाने का अहकाम जारी किए हुए हैं और अमली तौर पर भी ऐसा ही हो रहा है। कायदे मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद ने भी इस मामले में मैनेजमेंट के फैसले को सराहा है और तमाम अहदेदारान को ये हिदायत जारी की हुई हैं कि आप भी मैनेजमेंट के क्यादत में उनके साथ भरपूर तआवुन करें और सार्फीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप सहूलियात मुहैया कर सकते हैं वो करें। अमली तौर पर सारा कुछ हर जगह पर, हर सर्कल में, हर हफ्ते को ऐसा होता है, अपनी छुट्टियां कुर्बान करके हम लोग आकर बैठते हैं सार्फिन की सहूलत के लिए। जहां तक करप्शन की बात है, मेरे पास तो ऐसा कोई आला नहीं है कि मैं आपको इसका जवाब दूं, लेकिन इतना सिर्फ ज़रूर कहूंगा कि ये जहां पर खुली कचहरियाँ लगती हैं कोई ऐसा सार्फ यहाँ पर नहीं आता जिसके खिलाफ हमने बिजली चोरी के लिए उसके खिलाफ एक्शन लिया होता है, वो यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर वही आते हैं जिनके साथ वो समझते हैं कि बिल ज़्यादा आ गया, किस्तें कर दें, या हमारे किसी कोई पेन मिस्टेक हो गई है तो वो उसको हम रेक्टिफाई, अपने आप फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए ऐसा करते हैं। थाना मनावा लगता है वहाँ पे FIR रजिस्टर्ड हुई है? नहीं नहीं, इस तरह नहीं है, थाना पुलिस की पेमेंट आई है, पुलिस की हमें पेमेंट भी आई है कि 2-4 करोड़ रुपया पुलिस का पेमेंट में भी आया है। मीटर उनका लग गया होगा, अगर कोई ऐसा इशू होगा तो उन्होंने एफिडेविट दिया होगा STO को, उसके ऊपर सप्लाई बहाल होगी। जब एक बंदा पेमेंट करा देता है तो एमरजेंसी में बिजली चलाए तो कंज्यूमर एफिडेविट दे देते हैं अपना, वो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। खुली कचहरी का मकसद अवाम को रिलीफ देना और इनको बिलों की मुश्किलात को फौरी हल करना अव्वलीन तरजीह है। लेस्को अफसरान और यूनियन नुमाइंदगान जहां पर ऐसी खुली कचहरियां लगाकर अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, वहीं पर बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। कैमरामैन खुर्रम के साथ हाफिजा नाज़मा राव, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।